विशेषण जो कई मायने में विशेषज्ञ कहते थे कि कई G20ओं में डिक्लेरेशन संभव नहीं हो पाया है क्योंकि अलग अलग मत होते हैं। इस बार G20 में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में दिल्ली डिक्लेरेशन भी 20 देश और अफ्रीका यूनियन का जो प्रतिनिधित्व को इस बार G20 में प्रवेश करवा दिया है, सभी ने मिलकर दिल्ली डिक्लेरेशन पर अपनी अमीट छाप छोड़ी है। विश्व के सामने जितने भी चुनौतियां हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हो, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो, हर चीज़ पर इन 20 और अफ्रीका यूनियन सभी देशों ने सर्वसम्मति के साथ दिल्ली डिक्लेरेशन पारित की। ये एक अभूतपूर्व सफलता भारत की अध्यक्षता में संभव हो पाई। पिछले 3-4 दिनों से हमारे सभी देशों के शेरपा एक साथ मिलकर विचार विमर्श, चर्चा, एक ऐसे मसौदे को तैयार करने में व्यस्त थे जो सर्वसम्मति से पारित हो, और आज ये एक इतिहास भारत में बन चुकी है कि दिल्ली डिक्लेरेशन अब G20 के पूर्ण इतिहास में सम्मिलित हो चुकी है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और उनकी अध्यक्षता में, भारत की अध्यक्षता में ये संभव हो पाया, ये बहुत बड़ी कीर्तिमान है भारत के लिए। G20 की तुलना कमलनाथ जी ने G18 से की है, G4 घोटाला 18-4-18। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। आप देखो कांग्रेस की मानसिकता, ये देश बनाने वाली पार्टी नहीं रही, ये देश को कलंकित करने वाली पार्टी बन गई है। जब देश का गौरव का समय हो, जब नया एक कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा हो, तब इनका काम है केवल अपना लकीर लंबा नहीं खींचना पर दूसरों के लकीर को काटना। देश की जनता अब इन्हें भली भांति जानती है और पूर्ण रूप से इन्हें एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार इनको जवाब दे चुकी है। पर क्या करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी सीखना नहीं चाहते। सरस्वती मंदिरों में बहुत बहुत अच्छी